आज की वीडियो में हम अपनी GT में इंस्टॉल करने वाले हैं FlashX Hazard मॉड्यूल बाय रेज डायनेमिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपनी बाइक में सिमटेक की लाइट्स LED लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं इंडिकेटर्स में, तो मैं आपको इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। डब्बा देखने में ऐसा है, साइड पर ये दिया हुआ है 1+2 ईयर की वारंटी, 60 के पैटर्न में, नो स्विच रिक्वायर्ड, टेल लैंप इंटीग्रेशन, ऑनबोर्ड LED इंडिकेटर, वाटर प्रूफ है और भी मेमोरी रिकॉल्स हो रहा है, और ये पर्टिकुलर RE GT650 के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक QR कोड है, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलेगी एक हार्नेस, ये प्रॉपर है ही रॉयल इनफील्ड के लिए। इस हार्नेस से ये होगा कि हमें कोई भी वायर कट नहीं करनी पड़ेगी, प्लग एंड प्ले ही ये चल जाएगा, ना कोई स्विच लगाना पड़ेगा, सिर्फ ये हार्नेस। और ये FlashX का एक स्टिकर। फिर हमारी आ गई मेन चीज़, ये मॉड्यूल। तो ये हमारा ऐसे पैक होके आया हुआ है, ये ऊपर लिखा है इसके FlashX, ये पीछे से, और इसके ऊपर कुछ www.rezdynamics.com लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा FlashX। तो अब चलो मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले साइड पैनल खोलना पड़ेगा इसका। तो हम पहले सीट ओपन करेंगे अपनी, तो हम जैसे ही GT की सीट खोलेंगे, यहाँ पे ये हमारा ECU है, यहाँ पे हमें एक प्लग मिल जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस प्लग को खोलना होगा। ठीक है, ये प्लग आराम से खुल जाएगा। तो हमें जो इसके साथ हार्नेस मिली हुई है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसका ये वाला पार्ट है, मेल फीमेल पार्ट बोलते हैं इसको, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये सीधा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे सीधा प्लग हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है, ये हम यहाँ पर प्लग कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा मॉड्यूल है FlashX का, FlashX का मॉड्यूल हम इसके साथ अटैच कर देंगे। यस, ठीक है, अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने FlashX अपना पूरा इंस्टॉल कर दिया है, हमारे सिमटेक के LEDs हैं इसमें। तो अब मैं आपको इसको चलाना सिखा देता हूँ कैसे चलता है। वैसे इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी मिला हुआ है हमें। तो हम बाइक स्टार्ट करते हैं। ये इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा इंडिकेटर वाला स्विच है, इसको राइट लेफ्ट राइट और ऑफ, तो ये अब हमारा एक्टिवेट हो गया। और मोड चेंज करने के लिए हमें, मोड चेंज करने के लिए हम एक बार राइट ओके, ये हमारा पैटर्न चेंज होगा, राइट ओके। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना, और आप इसका प्राइस गेस करो FlashX का कितना होगा कमेंट में। ओके, थैंक्स।